रेवाड़ी के गांव गोकलगढ़ का ये खंडर मकान देखिए। 14 सितंबर को इसी खंडर से 22 वर्षीय भवनेश उर्फ भुरु नाम के युवक की लाश बरामद हुई थी। युवक का गला दराती से काटा गया था, चेहरा और सिर पत्थर से कुचल दिया गया था और इतनी खौफनाक हत्या देख पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। भवनेश की हत्या किसने की, कैसे की और क्यों की, न जाने कितने सवाल उठ रहे थे, लेकिन महज 2 दिनों के अंदर ही सदर पुलिस ने हत्या की इस गुत्थी को सुलझा दिया और इतना बड़ा खुलासा किया कि हर कोई दंग है। जी हाँ, दरअसल भवनेश की हत्या किसी और ने नहीं की बल्कि उसके ही दोस्त यश और मनोज ने की थी। आरोपी यश और मनोज ने पूछताछ में कबूल किया है कि भवनेश आए दिन उन्हें पीटता रहता था और 1 साल पहले भवनेश ने उनकी बहन के साथ भी बदतमीजी की थी, लिहाजा उसी रंजिश को लेकर यश और मनोज ने किसी बहाने भवनेश को खंडर मकान में बुलाया और दराती से उसका गला काट दिया। ये एक मर्डर का मामला है। गांव गोकलगढ़ के 3 लड़के थे, आपस में दोस्त थे, तो एक लड़का भवनेश जिसका मर्डर हुआ है वो इन दोनों लड़कों के साथ मारपीट करता था, कभी इनसे पैसे ले लिए, कभी कोई और बात। और बीच में एक बात ये भी आई है कि साल भर पहले एक लड़के की जो बहन है उसके साथ कोई बदतमीजी की बात उसने कर दी थी। इस चीज़ को लेकर के ये आपस में रंजिश पाले हुए थे और उसी रंजिश को दिमाग में रख करके 14 तारीख को इन लोगों ने प्लान बना करके, एक तो जो यश था लड़का, एक मनोज था, भवनेश को एक खंडर में बुला करके और उसको ईंटों से चोट मार करके और दरांती से उसका गला काट करके उसकी हत्या कर दी। तो दोनों मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिया, तीनों एक ही गांव के रहने वाले। भवनेश की हत्या के बाद शुरुआत में परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या करने का संदेह जताया था, लेकिन पुलिस ने जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाई तो भवनेश की हत्या में उसके ही गांव के दोस्त यश और मनोज का नाम सामने आया। बस फिर क्या था, पुलिस ने यश और मनोज को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में हत्या से जुड़ी पूरी कहानी दोनों से कबूल करवा ली। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी और कबूलनामे के बाद अब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पूछताछ में हत्या से जुड़े और भी पहलू सामने आए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। रेवाड़ी से मोहिंदर भाटी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।